एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज इवनिंग से। टाइम हो गया है 5:15। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली है और आज का वेदर भी बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है। पता नहीं क्या होने वाला है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। अभी मैं नीचे जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा वेदर हो रहा है, क्योंकि पीहू उठ गई है। वो आज बोल रही है कि उसको चॉकोज और मिल्क पीना है, तो मैं जाती हूँ उसके लिए जल्दी से चॉकोज बना के उसे देती हूँ। मतलब दूध में डाल के देना है और ज़्यादा कुछ तो उसमें करना नहीं होता है, बट आज उसका मन है तो मैं कुछ पैकेट्स ना रखे रहती हूँ चॉकोज के। कभी बच्चे का मन हो रहा है तो ऐसे दे सकते हैं, तो बड़ा पैकेट तो नहीं, बट हाँ छोटे वाले पैकेट जो पाउच आते हैं वो मैं रखे रहती हूँ कभी खाना हो तो, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती रहती है तो वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं इसलिए। तो चलिए पहले पीहू को दे लेती हूँ ब्रेकफास्ट, मतलब उसका इवनिंग स्नैक्स, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इवनिंग स्नैक्स ले रही है, उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का कैसा वेदर हो रहा है। और बस अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो आज अपना व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं डिनर में बनाने की सोच रही हूँ पालक पनीर। मैं पहले भी पालक पनीर बना चुकी हूँ, बट ठंडियाँ आती है ना तो लगता है कि जो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप वो बना सकते हो, जैसे पालक, मेथी, बथुआ और सरसों का साग, ये सब। तो वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ। मुंबई में वैसे ठंड तो पड़ती नहीं है, बट फिर भी ठंडी का एहसास लेने के लिए अच्छा तरीका है। तो बस मैं वही आज सोच रही हूँ, फिर से पालक पनीर बनाते हैं। तो लेकर के आऊँगी नीचे से पालक और उसको भी बनाऊँगी, और कुछ फ्रूट्स लाने हैं जैसे बनाना हो गया एक्सेट्रा। तो और हाँ, जो आपने आज ये मेरा कमेंट ये देखा है ना टाइटल, तो टाइटल में क्या होने वाला है, टाइटल का क्या, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, कौन सी गुड न्यूज़ है आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं आपको आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए पहले ही बात कर लेती हूँ कि क्या बात है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, तो नए साल में कुछ नया तो करना बनता है। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि अब क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ प्लान कर रही हूँ कि क्या आप मेरे वीडियो में आना चाहते हैं, क्या आप मेरे व्लॉग में आना चाहते हैं। अगर हाँ आना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो लोग भी मेरे व्लॉग्स में आना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकें, मुझे पार्टिसिपेट करें, मतलब इस वीडियो में पार्टिसिपेट करें। और क्या करना होगा इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा आपको एक काम करना है, अगर आप मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में आना चाहते हैं तो आपको एक अपनी छोटी सी क्लिप बनानी होगी 20-25 सेकेंड की, और उसको आपको मुझे ईमेल करना होगा मेरे ईमेल एड्रेस पे, मतलब मेरे ईमेल आईडी पे। तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी लिख दूँगी कि आपको इस ईमेल पे मुझे ईमेल करना होगा, और वो जो आप क्लिप भेजेंगे ना उसको मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। तो मैं ये क्रिसमस से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मतलब 25th December से, और जितनी सारी क्लिप्स होंगी वो मैं नए साल तक ऐड करती रहूँगी। तो आपको उसमें क्या बोलना होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यही बोलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर बुलबुल, मतलब मेरे चैनल में इंडियन ब्लॉगर बुलबुल में आप सभी का स्वागत है, और हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे करके आपको थोड़ा सा बोलना होगा और वो मुझे आपको ईमेल करना होगा। छोटी सी क्लिप आपको ईमेल करनी होगी, तो वो जो क्लिप है मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले लगाऊंगी। तो ऐसे आ जाएंगे ना आप लोग भी मेरे व्लॉग्स में,
और मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। एक बात और कि आपको जो फ़ोन रिकॉर्ड करना होगा ना, वो फ़ोन मैं आपको एंगल बता देती हूँ किस तरह से रिकॉर्ड, तो आपको फ़ोन कैसे रखना है, फ़ोन आपको ऐसे एंगल में रखना है ना कि ऐसे। अगर आप ऐसे फ़ोन रखते हैं तो आपका जो वीडियो बनेगा वो इस पोजीशन में बनेगा, तो आपको अपना वीडियो इस पोजीशन में बनाना है लाइक दिस, और फिर आपको 20 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करना है, 20-25 सेकंड्स के लिए, और आपको मेरे को उसे ईमेल करना है। मेरा ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खुशखबरी, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको अपने व्लॉग में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आज है 5 तारीख जबकि मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आप 6 को देखेंगे, तो आपके पास टोटल 20 डेज़ का समय है कि आप लोग मुझे अपनी क्लिप्स भेज सकते हैं, क्योंकि मैं 25 दिसंबर से लगाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको। और बहुत बातें हो गई, चलिए चलते हैं नीचे, देर हो रही है वरना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो चलिए नीचे मिलते हैं। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. फ्रेंड्स, आपने देखा कैसा वेदर हो रहा है, और धूप भी नहीं है, आज सारा दिन ऐसे ही था, हल्की सी 2-4 बूंदे भी गिरी थी आफ्टरनून में, और अभी हम और बीहू यहाँ बैठे हुए हैं, झूला झूल रहे हैं, और अब मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, फिर ऊपर चल के आपसे मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ ऊपर और आपको एक गाना सुनाई दे रहा होगा मधुर मधुर सा, तो जब मैं शाम को ऊपर आती हूँ तो साईं बाबा का मैं सॉन्ग चला लेती हूँ, और इसलिए ज़्यादा देर नहीं चला सकती हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा, तो चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं लग गई हूँ अब काम में, बनाने जा रही हूँ आज पालक पनीर, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो ये है पालक, 2 टमाटर और लहसुन है, इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर भी डालूंगी, वो मैं अभी भूल गई हूँ डालना, तो ये सब डाल के थोड़ा सा नमक डालूंगी और 1-2 सीटी लगा करके गैस ऑफ कर दूंगी, और मैं आज इसमें पनीर जो डालूंगी वो फ्राई करके डालूंगी। तो मैंने ये बड़ा बड़ा पनीर का पीस जो है वो ले लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें ऑयल डालूंगी, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं एक बार पनीर को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। पालक पनीर में आज मेरा मन है, चलो पनीर को फ्राई करके डालते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था बिना फ्राई करके बनाया था, तो आप चाहे तो वो रेसिपी भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे टाइटल में आपको मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो में। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही पनीर डाल के फ्राई करूंगी, ज़्यादा तेल मैं नहीं डालती, मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, वरना मैं वो तेल जल्दी से मतलब रीयूज नहीं करती हूँ इसलिए। तो मेरा पनीर जो है वो फ्राई हो गया है, अब मैंने इसमें तेज पत्ता डाला है, और मैं पहले खड़ा प्याज इसमें थोड़ा सा चॉप फ्राई कर लूँगी, आप चाहें तो आप पीस सकते हैं, बट मैं इसमें आज थोड़ा सा चॉप प्याज डाल रही हूँ, और फिर मैंने इसमें टमाटो की प्यूरी, वही जो मेरी प्यूरी रहेगी ना, जो पालक टमाटो सब कुछ है वो डाल दूँगी। और ये देखिए, मैंने निकाल लिया है पालक, अब थोड़ा सा ठंडा करके ही पीसिएगा, मैं तो पीस ले रही हूँ बट आप लोग केयरफुली काम करिएगा। और मैं इस मसाले में डालूँगी यहाँ पर कसूरी लाल मिर्च, जिससे
कि कलर बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। तीखा तो नहीं होता है बट कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कसूरी लाल मिर्च डाली है। और अब मेरा ये मसाला जो पेस्ट है पालक का वो भी पिस गया है, तो अब मैं इसको डाल के देखिए कितना अच्छा सा भी सही सुंदर सा ग्रेवी दिखाई दे रही है, तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा जो ये पालक पनीर है ये उबल रहा है, मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि नमक पहले भी डाल चुकी हूँ, तो टेस्ट अपने अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा वरना ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा हमें पालक पनीर को पकाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमारा पालक टमाटर सब कुछ पक चुका है, बट फिर भी इसको अच्छे से एक दो बॉयल लगा लेंगे। और मैंने बहुत महीन पालक नहीं पीसा है, आपको अगर बहुत महीन ग्रेवी पसंद है तो आप वैसे भी पीस सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया जो कि मेरा बचा हुआ पानी था कुकर में, वो मैंने वेस्ट नहीं किया था, मैं सारा पानी इसमें यूज़ कर लूँगी। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब मैं फिर अपने इसमें पनीर डाल दूँगी। और तैयार है हमारी गर्मा गर्म पालक पनीर, आप लोग भी ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी पालक पनीर की ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स मेरा खाना बन चुका है और अभी पीहू के डैडी आए नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ पीहू को मैं खिला देती हूँ और आप लोग के कुछ कमेंट्स भी सोच रही हूँ पढ़ लेती हूँ। तो चलिए पहले कमेंट्स रीड करती हूँ फिर उसके बाद बात करती हूँ। रैंडम ही कुछ कमेंट्स रीड करने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो ओपन किया उसमें गीता कटारी जी का पहला कमेंट है कि जस्ट इग्नोर डियर वी नीड यू एंड योर व्लॉग्स। तो थैंक यू गीता जी, आपका इतना अच्छा कमेंट है कि आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे भी एक्चुअली आप लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट कमेंट है काजल जी का, वो बोल रही हैं 13 लाइक नाइस व्लॉग डियर और सबसे अच्छी आपकी फेस पर स्माइल है, लव यू। तो थैंक यू एंड लव यू टू काजल जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को देखते हो लाइक करते हो। नेक्स्ट कमेंट है लीना लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो थैंक यू लीना जी, आप मुझे पाकिस्तान से वॉच करते हो, थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो मेरे पर। और नेक्स्ट कमेंट है विवेक बी इनका आईडी है, वो लिख रही हैं हाय मैम नाइस एक्टिंग। तो थैंक यू, आपको मेरी एक्टिंग लग रही है, थैंक यू सो मच। इनका एक और कमेंट है मैम ट्राई माय रिक्वेस्ट व्लॉग। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए आप कौन सा आपका रिक्वेस्ट व्लॉग है, मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगी, विवेक जी का ही है। तो मुझे बताइएगा कि आप कौन सा व्लॉग चाहते हो। और कौन सा नेक्स्ट कमेंट है, तो आज का जो नेक्स्ट कमेंट है वो है नीलम राजपूत जी का, वो बोल रही है यू आर राइट दी गंदे लोग गंदी सोच जस्ट इग्नोर। तो थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। ये शायद व्लॉग कौन सा व्लॉग है, ये जो व्लॉग है वो ये है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, जो कि मैंने एक बताया था हेट कमेंट आया है, तो मैं इग्नोर ही करती हूँ, थैंक यू। और आप लोग भी मेरे बारे में ऐसे ही कहते हो, इग्नोर करो। आज का जो नेक्स्ट कमेंट है वो है अभिलाषा का, वो बोल रही है लाइफ क्या है दीदी। तो लाइफ यही है यार, लाइफ चलती रहना, ये जीवन का नाम ही लाइफ है, मतलब जीवन चलता रहे और यही है लाइफ। तो नेक्स्ट कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, नाम पढ़ लेती हूँ, मंजीत कौर ओजस और सोनिया नेहा अभिलाषा प्रतिमा इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन, इनका भी लग रहा है कोई चैनल है, वो दाल टिकिया बहुत अच्छी बनाई आपने, नाइस व्लॉग दिया। तो थैंक यू इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन, थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो। इंडियन यूट्यूबर माधुरी बिंद और मॉम्स बेबी नाइस रेसिपी दी, फर्स्ट टाइम देखा मैंने ये। ओके, आपने रेसिपी फर्स्ट टाइम देखा या फिर मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देखा, कॉमेंट करके बताइएगा अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो ये वाला। तो बस इतने ही कमेंट्स पढ़ूंगी, नाम पढ़ूंगी और अब जा रही हूँ मैं पीहू को उसका डिनर कराने के लिए, तो उसको डिनर कराऊंगी, फिर उसके डैडी जब आ जाएंगे तब मैं भी कर लूँगी। तो अभी मैं एक चपाती बनाऊँगी और इसको खाना खिलाती हूँ। तो चलिए फिर बस इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।